स्वागत है गाइज आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। आज हम बात करने वाले हैं दो वॉचेस की। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में कहा था कि अमेज़फिट बिप एस लाइट का एक कंपैरिजन करिए डिजो वॉच 2 के साथ, तो आज मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे हम सारे के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। और इसका जो प्राइस है बिप एस लाइट का वो बहुत कम हो चुका है, फ्लिपकार्ट 2000 रुपीज़ में ये बिक रही है और अमेज़ॉन पे तो उसका प्राइस 3700 रुपीज़ है। तो गाइज़ अगर आपको लेनी है तो फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो, तो डेफिनेटली बेटर रहेगा। डिजो वॉच 2 की बात करें तो ऑलरेडी अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे, ये गोल्ड वाला एक्सेंट वाला जो आपका 2499 में अवेलेबल है, और ब्लैक वाला जो वेरिएंट है इसका वो 2299 रुपये में अवेलेबल है। और दोनों में ही कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिल जाते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। और गाइस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को आप ऑल कर सकते हो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे हम अमेजिंग डील शेयर करते रहते हैं आप सभी के साथ। लो प्राइस लिंक बेस्ट प्रोडक्ट आपको मिलती रहती है वहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। डिस्प्ले की बात करते हैं। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं बिप एस लाइट में आपको छोटी डिस्प्ले मिलती है 1.28 इंच की, ट्रांस रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले मिलती है, ऑलवेज ऑन का फीचर इसमें मिलता है। मतलब ये डिस्प्ले आपकी ऑलवेज ऑन रहेगी, मतलब रिफ्लेक्ट करेगी जैसे इस पर लाइट पड़ेगी आपकी। और डिजो 2 में आपको 1.69 इंच की LCD TFT डिस्प्ले मिलती है जो कि 240x280 pixels का रिजोल्यूशन लेके आती है। बिप एस लाइट का जो रिजोल्यूशन है वो भी कम है और डिस्प्ले ट्रांस रिफ्लेक्टिव है तो ऑलवेज ऑन रहेगी आपकी, तो ये इसमें एडेड एडवांटेज मिल जाता है। बट बिप एस लाइट की जो डिस्प्ले है थोड़ी सी इन्फीरियर है एज कम्पेयर टू डिजो 2। डिजो 2 में लाइफ लाइक कलर्स आपको दिखेंगे, मतलब ऐसा नहीं एमुलेट जैसा, बट यहाँ पे आपको कलर डिस्प्ले मिलती है तो ज़्यादा बेटर लगने वाली है एज कम्पेयर टू बिप एस लाइट, जहाँ पे आपको आई गेस ट्रांस रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले में आपको सिर्फ दो ही कलर्स मिलते हैं, मतलब उसके जो फॉन्ट्स होंगे सिर्फ दो ही कलर्स के होंगे। तो ये आपको चीज़ें मिलती हैं और प्रॉपर ये LCD या IPS पैनल नहीं है जो आपको एकदम जो आपके फ़ोन पे दिखाता है कलर वैसे मिलने वाले, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा डिस्प्ले के मामले में। आगे बात आती है यहाँ पे ऑलवेज ऑन फीचर मिल जाता है बिप एस लाइट में, जैसे मैंने आपको बताया। डिजो 2 में आपको रेस्ट टू वेक मिलता है, ऑलवेज ऑन का फीचर नहीं मिलता। 2.5D कर्व ग्लास मिल जाता है दोनों में ही, प्रोडक्शन कौन सा एक्जैक्टली पता नहीं बट मेरे को जो टेम्पर प्रोडक्शन है तो प्रोवाइड किया गया होगा दोनों ही वॉचेज़ में। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पर पिक्सल डेंसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों की ही। और गाइस यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस है वो डिजो 2 की तो 600 निट्स की है, बहुत ज़्यादा है, बट बिप एस लाइट की एक्जैक्टली पता नहीं क्योंकि यहाँ पे ट्रांस रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले है, तो सनलाइट जितनी ज़्यादा इस पर पड़ेगी उतना ज़्यादा ही ब्राइट आपको दिखेगी। तो जितना कम मतलब अंधेरे में हो गया आप तो उतना ब्राइट नहीं दिखेगी एज़ कम्पेयर टू डिजो 2, बट डिजो 2 सनलाइट विजिबिलिटी में भी अच्छी दिखेगी आपको और वैसे भी आपको अच्छी दिखेगी। और बिप एस लाइट जितना आप रोशनी में लेके जाओगे जितना लाइट पड़ेगी इस पर उतना ज़्यादा ये रिफ्लेक्ट करेगी, उतना ज़्यादा यहाँ पे आपको विजिबिलिटी बेटर होगी। यहाँ पे वॉच फेसेस की बात करें तो यहाँ पे शाइन करती है बिप एस लाइट, यहाँ पे 150 से भी ज़्यादा क्लाउड बेस वॉच फेस मिल जाते हैं और डिजो 2 में आपको 100 क्लाउड बेस वॉच फेस मिल जाते हैं। और गैलरी में से कोई भी इमेज का वॉच फेस आप दोनों ही वॉचेस में लगा सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे फिटनेस ट्रैकिंग की। तो यहाँ पे बिप एस लाइट में आपको 8 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं और डिजो 2 में आपको 16 स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, और बिप एस लाइट में अलग से भी 4-5 स्पोर्ट्स मोड और मिलते हैं, तो ओवरऑल मिला के आपको ज़्यादा मिल जाते हैं, 12 तक हो जाते हैं। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं डिजो 2 में आपको स्विम मोड इंक्लूडेड है और बिप एस लाइट में भी आप स्विम कर सकते हो उसको ले जाके, क्योंकि 518 वाटरप्रूफ ये मिल जाती है, 50 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक आप इसको सबमर्ज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और ज़्यादा एक्यूरेटी स्ट्रेट अवे यहाँ पे विनर है बिप एस लाइट, क्योंकि यहाँ पे आपको PI हेल्थ सेंसर सिस्टम मिलता है और साथ में सेंसर्स जो हैं वो एक्यूरेट लगे हुए हैं इसमें बिप एस लाइट में एज़ कम्पेयर टू डिजो 2। और यहाँ पे एक्यूरेसी आपकी जो स्लीप ट्रैकिंग की 95% से ऊपर तक की देता है ये बिप एस लाइट एज़ कम्पेयर टू डिजो 2। डिजो 2 में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को तो ये भी इशू हुआ था कि इसमें जो स्लीप मॉनिटर वो कर भी नहीं रहा है, कई लोगों का तो मतलब मॉनिटर ही नहीं कर रहा है। और इसका मैंने ट्यूटोरियल रिव्यू ऑलरेडी कर दिया, अनबॉक्सिंग भी कर दिया है डिजो 2 की, और नोटिफिकेशन एरर भी आ रहे थे लोगों को उसका भी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, एक्यूरेसी टेस्ट भी कर चुका हूँ बहुत सारी वॉचेस के साथ, तो आप जाके देख सकते हो, मैं कार्ट में लिंक भी दे दूंगा आप सभी को। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे सेंसर्स की। तो यहाँ पे बायोट्रैकर 2 PPG मिल जाता है बिप एस लाइट में और साथ में यहाँ पे 3-axis एक्सेलेरोमीटर जायस्कोप सेंसर मिल जाता है। डिजो 2 में आपको एक्सेलेरोमीटर जायस्कोप सेंसर ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर मिल जाता है। डिजो 2 में एक एडेड एडवांटेज ये है कि SPO2 मॉनिटर मिल जाता है जो कि बिप एस लाइट में नहीं है। बिप एस लाइट में सिर्फ आपको HR मॉनिटर और स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलता है जो कि डिजो 2 में अवेलेबल है, उसके साथ साथ डिजो 2 में आपको SPO2 लेवल मॉनिटर भी मिलता है। अब बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो यहाँ पे स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, रिप्लाई बैक ऑप्शन नहीं मिलता, वाइब्रेशन के थ्रू ही आपको अलर्ट्स मिलने वाले। और बिप एस लाइट में आपको कॉल म्यूट रिजेक्ट का ऑप्शन मिलता है, डिजो 2 में कॉल रिजेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। फुल टच पैनल है, स्मूथ है, यहाँ पे स्टटर लैग आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती है दोनों में ही। सेलेंट्री रिमाइंडर भी मिल जाता है और ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट आपको मिल जाता है। आगे बात आती है यहाँ पे एंड्रॉइड या iOS दोनों से आप पेयर कर सकते हो। बिप एस लाइट की एक न्यू एप्लीकेशन आ चुकी है, मतलब अमेज़फिट की जैप एप्लीकेशन, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, ऐप स्टोर पर मिल जाएगी और प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। और डिजो 2 की बात करें तो डिजो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप स्टोर पर या प्ले स्टोर पर, दोनों पर ही मिल जाएगी। अब बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की। तो यहाँ पे हार्डवेयर कहीं ना कहीं डिजो 2 का बेटर है एज़ कम्पेयर टू बिप एस लाइट, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं जो स्मूथनेस है वो दोनों की सिमिलर है। ड्यूअल मेन्यू मिलता है डिजो 2 में, एक लिस्ट वाला और एक ग्रिड वाला, और बिप एस लाइट में आपको टिपिकल UI मेन्यू मिल जाता है। सिंगल बटन कंट्रोल मिलता है दोनों ही वॉचेस में और गैशेस का यूज़ करके डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब बात आती है यहाँ पे
बैटरी बैकअप की। तो यहाँ पे बीपीएस लाइट रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे 30 दिन का आपको बैटरी बैकअप देती है टिपिकल यूजर्स पे, और डीजो टू आपका करीब करीब 260 mAh बैटरी के साथ आती है। बीपीएस लाइट में एक्जैक्टली बता तो नहीं गया कितने mAh बैटरी, बट मेरे ख्याल से हो सकता है 170-175 mAh हो सकती है। और यहाँ पे 30 दिन का स्टैंड बाय टाइम, मतलब रन टाइम, स्टैंड बाय टाइम जो भी आप चूज करना चाहते हो, बीपीएस लाइट मेरे ख्याल से 60-70 दिन आराम से स्टैंड बाय पे चल जाएगी अगर हम कंपेयर करें डीजो टू से। डीजो टू बहुत कम चलेगी और मैग्नेटिक चार्जिंग दोनों में मिल जाता है। और गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक्चुअल में 20 दिन का आपको रन टाइम दे देगी बीपीएस लाइट, और डीजो टू आपका 6 दिन तक विदाउट ऑल नोटिफिकेशन रन टाइम दे देगी। बट अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन कर दिए तो 15 से 18 दिन बीपीएस लाइट चल जाएगी और डीजो टू सिर्फ 4-5 दिन चलेगी। तो यहाँ पे बीपीएस लाइट बहुत ही आगे है बैटरी कैपेसिटी में और बैटरी बैकअप में। अब बात आती है यहाँ पे मेन फीचर्स की। तो यहाँ पे HR मॉनिटर दोनों मिल जाता है, बट यहाँ पे SPO2 लेवल मॉनिटर नहीं मिलता बीपीएस लाइट में। बट बीपीएस लाइट में जो एक्यूरेसी लेवल है बहुत ही बेटर है, डीजो टू का अगर 70% है तो बीपीएस लाइट का आपका 90% से ऊपर है। PAI हेल्थ असिस्टेंस सिस्टम आपको मिल जाता है, और उसी के साथ साथ स्लीप ट्रैकर मिल जाता है दोनों में ही। और गाइज यहाँ पे कैलोरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है, सेडेंटरी रिमाइंडर भी आपको दोनों में ही मिल जाता है। तो यहाँ पे बेसिक फीचर कहीं ना कहीं दोनों ही वॉचेस में दिए गए हैं, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीपीएस लाइट लैग करती है कुछ फीचर्स में जो कि इसमें अवेलेबल नहीं है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे थोड़े से कम फीचर मिलते हैं बीपीएस लाइट में। अब बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की। तो यहाँ पे बीपीएस लाइट फिर से पीछे रह जाती है। यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी मैं कहूँगा रगेड है, बट डीजो टू की बहुत ही ज़्यादा रगेड है। इस प्राइस सेगमेंट में मैंने ऐसी कोई वॉच नहीं देखी जिसका स्टेनलेस स्टील का डायल और बेस पॉलीकार्बोनेट का अंडर 2000 के प्राइस ब्रैकेट में मैंने पहले ऐसी वॉच देखी है जो बिल्ड क्वालिटी के साथ अमेजिंग आती है और लुक के मामले में भी अमेजिंग लगती है। बीपीएस लाइट से तो डेफिनेटली लुक के मामले में डीजो टू बहुत ही बेटर लगती है। 30 grams की बीपीएस लाइट जो कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, इसको आप लेके सो भी सकते हो। डीजो टू को आप थोड़ा सा अवॉइड करोगे जब आप सोओगे, क्योंकि यहाँ पे हाथों में थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपने पहन रखा है अलग से, मतलब थोड़ा सा ये हैवी लगती है। मैंने ऑलरेडी अपने रिव्यू में बता रखा है 20 mm स्ट्रैप साइज दोनों का ही, तो आफ्टर मार्केट का भी आप यूज़ कर सकते हो। और सिलिकन स्ट्रैप मिल जाए दोनों में ही, तो यहाँ पे स्ट्रैप की क्वालिटी भी अमेजिंग है यहाँ पे। और मेन बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया डीजो टू डायल मेटल का है, बेस पॉलीकार्बोनेट है, और बीपीएस लाइट में आपको पॉलीकार्बोनेट का ओवरऑल बॉडी मिलती है। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में डीजो टू नंबर ले जाती है आगे। अब बात आती है यहाँ पे प्राइसिंग की। प्राइसिंग ऑलमोस्ट सिमिलर आपको देखने को मिलेगी, बीपीएस लाइट थोड़ी सी कम है, 2000 के प्राइस ब्रैकेट में मिल रही है। डीजो टू आपकी ब्लैक वाला वेरिएंट है 2299 रुपये मिल रहा है, मतलब 2300 रुपये का, और जो ग्रे वाला है और एक ब्लैक वाला है, जो ग्रे वाला और एक गोल्ड वाला है, यस, तो वो आपको मिल रहा है करीब करीब 2500 रुपये में, तो आप चूज ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे कंक्लूजन की बात आती है। अगर आपका जो पहला मोटिव है वो है एक्यूरेसी, तो आप सीधे आँख बंद करके बीपीएस लाइट की तरफ जा सकते हो। अगर आपका पहला मोटिव है कि बैटरी बैकअप बेटर हो, तो बीपीएस लाइट आपके लिए बेटर है। अगर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चाहिए, तो बीपीएस लाइट से बेटर कोई और वॉच नहीं हो सकती इस प्राइस रेंज में, अंडर 2000 के प्राइस रेंज में। और ऑन द अदर हैंड डीजो की बात करें तो डीजो टू लुक के मामले में बेटर है, बिल्ड क्वालिटी बेटर है इसकी, और फीचर्स के मामले में रिच है यहाँ पे बीपीएस लाइट से अगर मैं कंपेयर करूँ। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फीचर्स ज़्यादा चाहिए, बिल्ड क्वालिटी बेटर चाहिए, या आपको एक्यूरेसी बेटर चाहिए, या आपको ट्रांस रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले ऑलवेज ऑन वाली फीचर वाली कोई वॉच चाहिए, तो आप बीपीएस लाइट के लिए जा सकते हो। तो गाइस ये था हमारा एक डीप डाउन कंपैरिजन अमेज़फिट बीपीएस लाइट वर्सेस डीजो वॉच 2 के लिए। आपका कोई क्वेरी रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।